रेडर से 1 पॉइंट आरडीएवी रेड जहानाबाद आरडीएवी के बीच में मुकाबला। ये आरडीएवी की टीम जो सामने आरडीएवी के जहानाबाद के गुलाबगंज की टीम को रैन क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करते हुए बहुत ही बढ़िया फेंटच का प्रयास किया लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से भाई रेडर लॉबी में चला गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नंदगोपाल जी जहानाबाद जीरो, देखिए अभी तक जहानाबाद की टीम निर्भयचा लाइट को जलवाया गया। एक बार फिर से पटना पाइरेट्स की जर्सी में रेड करते हुए जहानाबाद के खिलाड़ी और जहानाबाद का सब्सक्राइब कर देना, आपका बहुत ही कर्कश मुकाबला। फिर से एक बार देखिए क्या कर पाते हैं। दर्शक से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मैदान में आए और देखना ना भूले और कबड्डी मैच का आनंद ले। इस टूर्नामेंट का पहला से इसी तरह देखिए क्या 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 कर पाते हैं जहानाबाद के लीड कर कर इसी तरह से। और जहानाबाद का ये खिलाड़ी रेड करते हुए 22 नंबर जर्सी के साथ दोनों ही कर्कश टीम काफी प्रयास कर रहा है, लॉबी में चले गए। एक पॉइंट मिलता हुआ आरडीएवी को। इसी तरह से 5 एक जहानाबाद 5 और आरडीएवी का ये भाई आरडीएवी का 5 एडजस्ट कर लेना और जहानाबाद का ये। देखिए इस मैच को जीतने के लिए सोनभद्र कबड्डी लीग का पहला सेमीफाइनल अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। आरडीएवी वर्सेस जहानाबाद के बीच खेला जा रहा है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैच जो जीतेगा उस सेमीफाइनल में प्रदर्शन जहानाबाद के खिलाड़ी। इसी तरह से जहानाबाद का स्कोर बढ़ता हुआ 3 और बस बहुत कम का फैसला है। फिर से एक बार जहानाबाद के खिलाड़ी छोटे कद के रेडर बहुत फुर्तीले हैं। राइट कॉर्नर से किया रेड का शॉट बहुत ही बढ़िया चला गया डिफेंडर के चंगुल में। लीडर आउट हो चुके हैं और इसी तरह से फिर से एक बार स्कोर जहानाबाद 22 नंबर जर्सी के साथ डीएवी के खिलाड़ी एकेडमी का बहुत ही बढ़िया जहानाबाद ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है जहानाबाद के पास। देखते हैं क्या कुछ डिफेंडरों ने काफी संयम दिखाया, कोई किसी ने अटैक नहीं किया भाई। और यहाँ पर यहाँ पर रेडर भाई लॉबी चला गया स्लीप मारने के चक्कर। फिर से एक बार 18 नंबर जर्सी के साथ सोनू रेड करते हुए सुपर टैकल प्रॉब्लम हो रहा है खिलाड़ियों का। काफी फुर्तीले रेडर हैं भाई, बढ़िया डोज देते हुए यहाँ पर टैकल करने की कोशिश है। डिफेंडर यहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस किया और इसी तरह 4 पॉइंट को मिलता हुआ पर ऑल आउट हो गई थी भाई जहानाबाद की टीम। फिर से एक बार पटना पाइरेट्स जर्सी में इसी तरह से आरडीएवी का 11 और जहानाबाद का टीम बहुत ही बढ़िया शानदार टैकल देखने को मिला लेफ्ट कॉर्नर और इसी तरह 1 पॉइंट डीएवी को मिलता हुआ। आरडीएवी का 12 और जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी आपको संघर्ष की जरूरत है। 6 का डिफेंस बोनस कड़ी मेहनत की जरूरत है भाई। चढ़ जाओ देखते हैं क्या चढ़ जाओ लेफ्ट कॉर्नर से चढ़ जाओ किया है अपने आप चढ़ जाओ
राइट कॉर्नर पर टच मारने की कोशिश जहानाबाद के फिर से एक बार छोटे करके जहानाबाद की तरफ रेड करते हुए खिलाड़ी काफी फुर्तीले रेडर हैं। देख फिर से लॉबी आउट होते हुए भाई थोड़ी सी लाइट की कमी है, लाइट लग रही है ऐसे। आरडीबी का 13 नंबर जर्सी जहानाबाद 5 का डिफेंस है। तीन देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट लेकर जाते हैं भाई। मुकाबला बहुत जबरदस्त दोनों फाइनल के लिए दावेदार है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं भाई एक लाइक करके जाना यार। सुनभद्र इसी तरह से पहला सेमीफाइनल मुकाबला जहानाबाद वर्सेस डीएवी के बीच में खेला जा रहा है। काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीम फिर से एक बार 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हैं लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत किया है और काफी बढ़िया हैंड टच का प्रयास राइट कॉर्नर पर असफल। फिर से एक बार 22 नंबर जर्सी रेड करते हुए डीएवी के खिलाड़ी। ये डू और डाई रेड है, अगर आप बिना पॉइंट के चले जाते हैं तो आप ऐसे ही एक पॉइंट मिल जाएगा जहानाबाद को। और 5 का डिफेंस है तो आप बोनस तो ले नहीं सकते, यानी आपको टच पॉइंट ही ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट और इसी तरह 2 पॉइंट मिले डीएवी को। फिर से एक बार जर्सी परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा जहानाबाद खिलाड़ी। बहुत बढ़िया कवर पर हैंड टच की प्रयास पर असफल रहा। 18 नंबर जर्सी के साथ सोनू रेड करते हुए 3 का डिफेंस है। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है जहानाबाद के खिलाड़ी। जहानाबाद का क्या सुपर टैकल करते हैं, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संयम को बरकरार रखते हैं यहाँ पर सुपर टैकल में। रेडर पर ज्यादा दबाव रहता है, डिफेंडर थोड़ी संयम दिखाकर करे तो टैकल हो जाएगा। के अपना संयम तोड़ा और एक पॉइंट डीएवी को मिलता हुआ। लेफ्ट कॉर्नर के पास से किया है रेड का शुरुआत, बहुत ही बढ़िया फुटवर्क करते हुए। देखते हैं डू और डाई में क्या करते हैं। यहाँ पर बोनस भी होना है, आप बोनस ले सकते हैं। टच पॉइंट जरूरी नहीं है, बोनस एक ऐसा स्किल है कि बिना टच की आपको पॉइंट मिल जाता है कबड्डी में। ये स्किल जितना भाई बोनस का अटेम्प्ट लिया है लड़के ने, रेफरी का इशारा जी भाई बोनस है रेडर से। इसी तरह से इसको फिर से एक बार रेड करते हुए 18 नंबर जर्सी जरूरत है जहानाबाद की टीम को। जहानाबाद अगर ये मैच हारते हैं जहानाबाद तो बाहर हो जाएंगे। रेडर है सोनू और अपने आप को बचाया, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। लगातार डीएवी के खिलाड़ी पॉइंट लेकर आ पूरे जोश के साथ खेलना है। देखते हैं हौसला बना के रखिए। बहुत ही बढ़िया आखिरी खिलाड़ी हैं जहानाबाद की तरफ से। देखते हैं अपने टीम के लिए ऑल आउट बचा पाते हैं या ऑल आउट हो जाएंगे अगर टैकल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया हैंड टच का प्रयास राइट कॉर्नर के ऊपर से पर अभी असफल रहे। ओहो ज्यादा अंदर चले गए थे और इसी तरह से एक पॉइंट 18 और अभी तक का स्कोर 18-4 है। 18 डीएवी 4 है भाई जहानाबाद ऑल आउट का है। मुकाबले का फाइनल इसी तरह से स्कोर टीम जाती है 20-4। फिर से एक बार 22 नंबर जर्सी के साथ रेड करते हुए डीएवी के खिलाड़ी। 7 का डिफेंस बोनस होने, बहुत ही बढ़िया शानदार टैकल देखने को, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जहानाबाद की टीम के द्वारा भाई। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया है, इसी तरह से स्कोर बढ़ता अभी तक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। और 5 जहानाबाद का 5 आरडीबी एकेडमी का 20। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत राइट कॉर्नर को सप्लाई लगाई और मल्टीपल पॉइंट लेकर गए। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जहानाबाद को मिला, दो पॉइंट इसी तरह से स्कोर बढ़ता है। एक बार सुन करते हुए और 20 ये भी की तरफ से 13 का अंतर है, बहुत 13 पॉइंट से लीड कर रही है भाई डीएवी की टीम। आरडीएवी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा और दम लगा दीजिए जहानाबाद की टीम से। बोनस और बहुत फुर्ती ले, दोनों ही एक ही जिला का टीम है, सिर्फ प्रखंड का प्रखंड अलग है जहानाबाद और घोसे गुलाबगंज घोसे में पड़ता है।
बहुत ही बढ़िया किक लगाई रेड कॉर्नर के ऊपर से, पर असफल रहे रेडर। रेड जहानाबाद पटना पायरेट्स की जर्सी में रेड करते हुए जहानाबाद के खिलाड़ी चार का डिफेंस, चार का डिफेंस में रेडर के लिए पॉइंट लाना मुश्किल होता है, पर आपके पास स्किल है तो भाई कोई नहीं रह सकता आपको। भाई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा। पहला हाफ में 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जहानाबाद के टीम को फिर से अच्छी परफॉर्मेंस करना होगा। सोनू रेड करते हुए तभी आप इस मैच को जीत सकते हैं, मेहनत की जरूरत है, जोश हो। बहुत ही फुर्तीले रेडर है भाई। और जहानाबाद के रैन क्षेत्र में फुलासगंज के टीम दोनों एक ही जिला के हैं, बस प्रखंड अलग अलग है दोनों का। देखिए क्या कर पाते हैं। ये डू ऑर डाई रेड है, थर्ड रेड है भाई। अगर दो रेड में आप पॉइंट नहीं लेकर जाएंगे तो थर्ड रेड डू ऑर डाई आता है। इसमें आपको बोनस होने हैं, आप देखते हैं क्या बोनस ले पाते हैं या नहीं तो आपको टच पॉइंट लेकर जाना पड़ेगा या आप ऐसे ही आउट हो जाएंगे। ओहो यहाँ पर कवर ने भाई कवर ने संयम तोड़ा और एक पॉइंट। इसी तरह से आरडी विलियम्स को अगर डू ऑर डाई में रेडर पर प्रेशर आता है, डिफेंडर बने और साथ भाई रेडर को प्रेशर डू ऑर डाई। और यहाँ पर जहानाबाद के खिलाड़ी रेड करते हुए और डू ऑर डाई रेड है भाई। वहाँ पर 5 का डिफेंस है, यहाँ पे बोनस ऑन नहीं है, आपको बस टच पॉइंट ही लेकर आना पड़ेगा नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। देखते हैं डीएबी के डिफेंडर क्या करते हैं, टैकल करते हैं या पॉइंट देते हैं। बहुत ही बढ़िया टच और लेफ्ट कॉर्नर को। इसी तरह से जहानाबाद का स्कोर 22 नंबर खिलाड़ी रेड करते हैं, काफी बढ़िया रेड किया है अभी तक इन्होंने। 13 रन का फैसला है जहानाबाद। बोनस का अटेम्प्ट लिया है, रेफरी का इशारा देखेंगे क्या मिलता है। रेफरी ने बोनस ना दिया, साइड लाइन कट था। फिर से एक बार जहानाबाद की तरफ से रेड करते हुए 4 का डिफेंस है। इसी तरह से ऑटो प्लेयर 2 मिनट फिर से एक बार 22 नंबर जर्सी टाइम बचा हुआ है। टाइम को देखते हुए भाई वीडियो को लाइक जहानाबाद के टीमों को और सब्सक्राइब कर अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत है आपको तो आप हमें ईमेल करें जरूर। कोई भी टूर्नामेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। डू ऑर डाई 18 नंबर रेड करते हुए सोनू 6-7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है। दर्शक बंधुओं से अनुरोध है कि जल्द से जल्द आए और कबड्डी मैच का आनंद लें। बहुत ही बढ़िया फुटवर करते हुए और राइट को बॉल राइट को दोनों पर हैंड टच करने की कोशिश, पर अभी तक असफल है रेडर। 8 बहुत ही बढ़िया डॉट देते हुए डिफेंडरों को। ओहो फिर से एक बार हैंड टच की कोशिश, लेकिन इस बार ब्लॉक कर दिया गया लेफ्ट ओवर द्वारा और शानदार टैकल देखने को मिला जहानाबाद के खिलाड़ी। इसी तरह से स्कोर बढ़ था जहानाबाद का 9-21 डॉट। फिर से एक बार डू ऑर डाई करो और मरो रेड करते हुए। सुपर टैकल भी है आपके पास, जहानाबाद खिलाड़ी रेड करते हुए 3 का डिफेंस, सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी डीएवी खिलाड़ियों के पास। जी हां सुपर टैकल करके दिखाया डीएवी के खिलाड़ियों ने और इसी तरह 2 पॉइंट मिला डीएवी को। इसी तरह से फिर से एक बार 22 नंबर जर्सी के साथ रेड करते हुए लंबे कद के रेडर, बहुत ही बढ़िया अभी तक इन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 बढ़िया स्लिप मारते हुए राइट कवर के ऊपर, बहुत ही जहानाबाद का लगाने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर से। तो भाई लास्ट रेड है। और ये फर्स्ट हाफ का लास्ट रेड है। 1 पॉइंट फिर से दर्जा रेड करते हुए
दोनों ही एक ही जिला के हैं, बस प्रखंड का। ओहो, कबड्डी में आप पीठ नहीं दिखा सकते भाई, अगर आप पीठ दिखाएंगे तो आप डायरेक्ट बाहर चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 25-9 स्कोर है 25 डीएवी 9 जहानाबाद। हाफ टाइम का खेल समाप्त हो चुका है भाई। बहुत अच्छी प्रदर्शन रहा था, पर इस बार आप बहुत अंक से पीछे हैं। फिर से एक बार रेड करते हुए सुन जहानाबाद के रेड करते हुए चार का डिफेंस है आरडीबी के जहानाबाद के रन क्षेत्रों में। देखिए क्या कर पाते हैं, रेडर के लिए थोड़ी मुश्किल होती है भाई, चार के डिफेंस में पॉइंट निकालना। रेडर वापस जाते हुए 8-7-6-5-4 भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। जहानाबाद के खिलाड़ी 11 नंबर जर्सी के साथ रेड करते हुए रीडर हुलासगंज के 7 का डिफेंस है, बोनस रन क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया हैंड टच अपना प्रदर्शन करते हुए बहुत बढ़िया, पर असफल है रीडर, पॉइंट की जरूरत है। ओहो, रेडर ने कोई रिस्क नहीं लिया भाई, क्योंकि जहानाबाद की अभी टीम बहुत ही पीछे भाई, 25-9 स्कोर है, समझ सकते हो। ओहो और इसी तरह भाई एक पॉइंट डीवी को मिला भाई, मुकाबला एक तरफा चल रहा है पूरा। फिर से एक बार ऑल आउट के अगर यहाँ पर ये बोनस नहीं लेंगे या टच पॉइंट नहीं लेंगे तो इनकी टीम ऑल आउट हो जाएगी। अगर आप पॉइंट नहीं लेते हैं, ओहो पीठ दिखाया पर शायद मिड लाइन को क्रॉस किया रेडर ने और एक पॉइंट जहानाबाद को मिला भाई एडवांस। इसी तरह से जहानाबाद के खाते में एक पॉइंट बढ़ता हुआ और एक पॉइंट मिलता हुआ जहानाबाद को। 22 नंबर जर्सी खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया आसानी से एक पॉइंट लेते हुए और लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया। पटना पायरेट्स के जर्सी में रेड करते हुए जहानाबाद के खिलाड़ी गए लिख दो ना 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 और जहानाबाद के 10-18 अंक से पीछे जहानाबाद की टीम। अभी भी आपके पास टाइम है मेहनत करने का, बहुत अंक का फैसला होते जा रहा है जहानाबाद की टीमों से। जहानाबाद की टीम 7 का डिफेंस है, बोनस ऑन है, बहुत ही बढ़िया स्लिप लेफ्ट कवर के ऊपर से। फिर से एक बार भाई रेडर ने रिस्क नहीं लिया, पकलाइन के ऊपर ही खेल रहा था लड़का। 2 का डिफेंस है, चुना रेड करते हुए डीएवी की तरफ से सोने जहानाबाद के जहानाबाद का स्कोर 10 और खेल कबड्डी 15 28 उलासगंज के टीमों का 28 और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आरडीबी एकेडमी का, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हवाई फायरिंग करते हुए अभी तो नहीं डाल देंगे, कल डाल देंगे, कल एक दो मैच होगा इस पर लाइव है, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आज वाला मैच लाइव है,
देखिए तब तक जाता है, चलाया थे दिन में जो हुआ था। इसी तरह से फिर से एक बार 22 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए कहा और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन जहानाबाद की टीम को, पर उनके हाथ से निकल गया भाई। ये स्कोर 11-32 का है भाई, काफी पीछे चल रहे, एक तरफा मुकाबला है। आरडीए भी लगभग इस मुकाबले को जीत ही लिया है क्योंकि 10 मिनट का खेल बाकी है। अगला मैच और मन्नत बनाम दरभंगा तैयार है। स्लिप खोला, डिफेंडर का भी अटैक मोड में है, काफी बढ़िया डिफेंस। आरडीए भी मन्नत बजरंग योद्धा, मन्नत और बजरंग योद्धा के बीच अगला मैच होगा। जा पहला सेमीफाइनल दस मिनट का दो रिकॉर्डिंग कर दें, कौन दिक्कत नहीं है। मन्नत और फिर से एक बार सोनू रेड करते हुए बजरंग योद्धा दल के टीम से अनुरोध है कि आप तैयार रहें। दोनों टीम से अनुरोध है कि आप तैयार रहें, कुछ ही देर में आपका भी मैच अब स्टार्ट होगा, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप एकदम जल्द से जल्द एकदम तैयार रहें। बहुत ही बढ़िया शानदार कॉम्बिनेशन राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर का, इसी तरह एक पॉइंट को मिलता हुआ। इसी तरह से सोनभद्र पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि आरडीए भी बस जहानाबाद के बढ़ता हुआ, जितने भी दर्शक मुकाबले को देख रहे हैं भाई, अगर आप नए हो तो 22 अंक का फैसला है, 22 अंक से लीड कर रही है आरडीए की टीम। काफी एक तरफा मुकाबला अभी तक चल रहा है, अभी तक 22 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 22 अंक से लीड कर अभी लीड कर रहा है 6 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए जहानाबाद की तरफ से हुलासगंज की टीम। 7 का डिफेंस बोनस, अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया बैक होल्ड करने की कोशिश लेफ्ट कॉर्नर द्वारा, लेकिन असफल है डिफेंडर। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट जहानाबाद को मिलता हुआ। फिर से एक बार 5 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत बड़ी फैसला लेफ्ट कॉर्नर से इस तरह से लग रहा है। बहुत आरडीबी एकेडमी एक तरफा मुकाबला हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत बड़ा फैसला है। लेफ्ट कॉर्नर पर किक खोल रहे और जहानाबाद के हाथों से बड़ा सफल है रेडर निकलता हुआ 5 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए। ये मुकाबला ऐसे ही चला देखने को मिल रहा है, इसको जीत जाएगी। अगर जहानाबाद को जीतना है तो भाई एक बार कम से कम डीबी को अलाउ करना पड़ेगा। और यहाँ पर पीठ दिखा और हमला हो गया भाई, और इसी तरह डिफेंडरों ने टैकल कर दिया। इसी तरह से अगर जहानाबाद जीतना है तो इसी तरह से फिर से आपको अच्छी प्रदर्शन करना होगा। छोटे कद के रेडर और लेफ्ट कॉर्नर से रेड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन एंगल देखने को मिला लेफ्ट कॉर्नर द्वारा आपका। फिर से एक बार रेड करते हुए फिर से खिलाड़ी 3513 बहुत ही बड़ा फैसला। इस फासले को कम करने के लिए भाई कोई चमत्कार हो सकता है क्योंकि आखिरी 6 मिनट का मैच बचा है। बहुत ही बढ़िया ब्लॉक, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रीडर ने मिड लाइन को क्रॉस किया और 2 पॉइंट दिए। और यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हुए डीएवी खिलाड़ी फिर से एक बार 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी छोटे कद के रेडर। और यहाँ पर थोड़ी सी भाई लाइट चली गई थी, जो ऑपरेटर है उन्हीं से कुछ गलती हुआ होगा। 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया टैकल देखने को मिला जहानाबाद की टीमों के द्वारा, आसानी से मिड लाइन को क्रॉस किया और एक पॉइंट आपके हाथ से निकलता हुआ
जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे भाई सभी लोग भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं होता। दर्शक तक बहुत ही मायूस टी टूर्नामेंट की वीडियो एक तरफा बिहार से है तो जरूर कर ले भाई, आपको कोई भी टूर्नामेंट मिस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए। उल्लासगंज के टीमों के द्वारा देखने को मिल रहा है फिर से एक बार 6 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेडी करते हुए। हमें लगता है जहानाबाद के बहुत ही बढ़िया हैंड टच हाथ से निकलता हुआ कबड्डी फिर से एक बार डीएवी के खिलाड़ी रेडी करते हुए जर्सी नंबर 35 के साथ 16 और 38। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। 5 का डिफेंस है जिसमें बोनस ऑन नहीं, आप बोनस नहीं ले सकते हैं फिर भी हैंड टच का पढ़ाई भी रेड कॉर्नर के ऊपर से पढ़ाई भी रेड शायद भाई आउट ऑफ लॉबी हो। इसी तरह से स्कोर 17 एक पॉइंट जहानाबाद को मिलता है। फिर से 17-38 स्कोर है भाई, 38 है जहाँ डीएवी और 17 है जहानाबाद। बहुत ही बढ़िया 6 नंबर जस्ट अच्छा स्कोर आगे से आए और टैकल और एक तरफा वो उठा के बाहर फेंक दिया भाई। बहुत ही बढ़िया डिफेंस डीएवी। इसी तरह से स्कोर बढ़ता हुआ फिर से 40 डीएवी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 5 में टाइम किल करते हुए क्योंकि इनको पता है कि भाई जो बढ़त है ना बहुत ज्यादा है जो आसानी से तो भाई होगा। निर्भय चार थोड़ा सा आवाज और कम कर दीजिए खिलाड़ियों को दिक्कत हो रहा है। ओहो बहुत बढ़िया हैंड टच और लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया जहानाबाद के खिलाड़ी ने। इसी तरह से स्कोर बढ़ता फिर से एक बार 39-18 खिलाड़ी रेड करते हुए लास्ट 1 मिनट 15 नंबर जर्सी खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर से किया रेड का शुरुआत कवर पर हैंड टच मारने की। बहुत ही खराब प्रदर्शन जहानाबाद की टीमों के द्वारा, कोई जरूरत नहीं था जहानाबाद के खिलाड़ी थोड़ी नर्वस मैच को ले गए। 6 नंबर जर्सी खिलाड़ी रेडी करते हुए बहुत ही बेहतरीन एंकल होल्ड देखने को मिला लेफ्ट कॉर्नर, बहुत ही लाजवाब। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अभी तक बहुत ही बढ़िया परिचय दिया भाई, तब तक मत हारो जब तक हाथ है ना हो। आप कबड्डी खेल रहे हो आपको लड़ना आना चाहिए, अंत तक लड़ो जब तक हार एक रेड और पहले हार भी प्रयास कर रही है जहानाबाद की टीम। बहुत ही भांसु कुमार आपको खोज रहे हैं, देश राज जहां कहीं भी हो। बहुत ही आसानी से मिड लाइन को क्रॉस किया और एक पॉइंट जहानाबाद को मिलता हुआ लास्ट रेड, इस सेमीफाइनल का लास्ट रेड और मैच खत्म। और इस मैच को आसानी से डीएवी की टीम ने जीत लिया है। इस मैच को आरडीएवी खिलाड़ी ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है। आरडीएवी की टीम बहुत आसानी से आरडीएवी जीत चुका है, मिलते हैं आपसे फाइनल में।